हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, स्टॉक मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी आपको रैली भी देखने को मिलती है, कभी आपको करेक्शन भी देखने को मिल जाती है, और कभी कभी तो बड़े बड़े क्रैश भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक पार्ट ही है, ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है, ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। आपको क्या करना होगा, यदि आपने स्टॉक मार्केट में से अच्छा पैसा कमाना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स उसमें ऐड करने होंगे, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आप उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस कर सकते हो, उसके फाइनेंशियल पैरामीटर चेक कर सकते हो, और उस स्टॉक की जो है टेक्निकल चेक कर सकते हो। तो आज स्टॉक मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रैली शो की है। उसमें ही एक स्टॉक के बारे में आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हो, इस स्टॉक में आपको आज नियरली 5% तेजी देखने को मिली है, और इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है ये 151.50 रुपीज़ पे हुई है। तो कौन सा है वो स्टॉक, उसका नाम भी जानेंगे और उसके सारे फंडामेंटल एक एक करके चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉक का पहले सबसे नाम जान लेते हैं। तो इस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंजनी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक की। और ये जो कंपनी है, हमारे देश की फिनांस सेक्टर की कंपनी है, लीजिंग एंड हायर परचेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आइए इसके स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि इस स्टॉक की हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो नियरली 84 करोड़ की निकल कर आ रही है। ये जो कंपनी है, क्लियरली एक स्मॉल कैप कंपनी निकल कर आ रही है। और आप देख सकते हो, इसकी जो TTM EPS है, दैट इज़ नियरली 4.28। और यदि इसकी PE रेशो देखें, TTM PE रेशो इज 35, एंड सेक्टर की जो PE रेशो है वो आपको 72 की दिखेगी। तो आप देख सकते हो, आज का ये जो स्टॉक है, आपको सेक्टर के कंपैरेटिवली अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल सकता है। प्राइस टू बुक रेशो इसकी जो है वो 6.89 की निकल कर आ रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके स्टॉक का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि इस स्टॉक की हम परफॉर्मेंस चेक करें तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 1 वीक से लेके 3 मंथ का जो डाटा है, बहुत ही बड़ी करेक्शन शो कर रहा है। लेकिन यदि GLTL Date का डाटा देखें तो इस स्टॉक में आपको 10.87% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1 ईयर का डाटा 40% की रैली शो कर रहा है, और 3 ईयर का डाटा 997% के अराउंड रिटर्न्स शो कर रहा है। तो लास्ट 3 ईयर्स में इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल गई है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है, क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है। और 3 सालों में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा नियरली 11 टाइम्स कर दिया है। यदि आपने 3 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी जो करंट वैल्यू थी, दैट वुड हैव रुपीज़ 10 लाख से भी ज़्यादा होती। तो बहुत ही बड़े रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दे दी हैं। क्लियरली लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन अब इस स्टॉक में आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो आजकल ये जो स्टॉक है, आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल सकता है। आजकल यदि इसका वॉल्यूम देखें तो आप देख सकते हो, लास्ट 1 वीक से इस स्टॉक में आपको 100% की डिलीवरी का डाटा देखने को मिला है। आज इस स्टॉक में 2K की डिलीवरी उठाई गई है। 100% का वॉल्यूम देखने को मिला है, 100% डिलीवरी देखने को मिली है। कल के दिन भी 100% डिलीवरी देखने को मिली थी। 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो यहाँ पे भी 100% डिलीवरी है, और 1 मंथ का एवरेज डाटा भी 100% की डिलीवरी शो कर रहा है। तो इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अकमुलेशन हो रही है, बहुत ही बढ़िया इस स्टॉक में माल उठाया जा रहा है। इसीलिए इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो यदि इस स्टॉक का GOY बेसिस पे हम डाटा चेक करें, लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक करें, दिसंबर 2020 में इसके नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे थे। एंड द नेट सेल्स बस एट ₹7.95 करोड़, एंड इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 5.52% ऑन ए GOY बेसिस। तो आप देख सकते हो, इसके नंबर्स थे, दे आर क्वाइट पॉजिटिव। तो आइए इसके कुछ लेटेस्ट जो डाटा है वो चेक कर लेते हैं। तो 2017 से लेकर 21 तक का रेवेन्यू का डाटा आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप देख सकते हो, 17 में इसका जो रेवेन्यू था 22 करोड़ था, और 21 में ये बढ़ के और 29 करोड़ हो गया है।
तो आप देख सकते हो 18 से लेके 21 तक इस कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो 20 के कंपैरेटिवली 21 में इस कंपनी ने बहुत ही बड़ा नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है। 3 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है 2020 में, इसका नेट प्रॉफिट नियर जीरो था, लेकिन 21 में इसने बहुत ही बड़ा जो है नेट प्रॉफिट भी कमा लिया है। ईपीएस का डाटा देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल गई है ऑन ए जीर बेसिस। तो इस कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। कंटिन्यूसली इसके ईपीएस में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिली है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे। तो आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर और पब्लिक ही इस स्टॉक में दो मेन स्टेक होल्डर हैं। डीआईआईज और जो एफआईआईज हैं उनका इस कंपनी में कोई भी स्टेक नहीं है, क्योंकि अभी ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी भी है। लेकिन जो एफआईआईज एंड डीआईआईज हैं वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका पहले जो है डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करते हैं। तो अभी ये जो स्टॉक है थोड़ा ओवर वैल्यूड आपको लग रहा है। पीई रेशियो इसकी बढ़िया अट्रैक्टिव दिख रही है। आरओई परसेंटेज इज आल्सो गुड 24.43%। 1 ईयर परफॉर्मेंस शोइंग 40% ऑफ रिटर्न्स। तो डेब्ट टू पीडी रेशियो इज 0.45। तो अभी ये जो कंपनी है अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रही है, बहुत ही बढ़िया जो है आपको वैल्यूएशंस पे मिल सकती है, क्योंकि अपने हाईएस्ट लेवल से इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया करेक्शन हो चुकी है। जैसे कि आपने पहले देखा है कि इसके 3 मंथ का जो करेक्शन है दैट इज नियरली 27%। तो हाईएस्ट लेवल से ये जो स्टॉक है 27% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो इसलिए आजकल इस स्टॉक में आप इंटर कर सकते हो, अच्छी वैल्यूएशंस पे इंटर कर सकते हो, क्योंकि कल को यदि इस स्टॉक में फिर आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इस स्टॉक में सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।